और इसलिए मेरी आखिरी और सबसे अहम डिमांड आपसे है और एक ही, ये छोटी सी आदत होगी जो आप हर जगह करते हैं, सवाल हर चीज के लिए, आटा दाल चावल तेल साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप, क्योंकि ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल देते भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितने घिसापिटी हर जगह हर पर हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त पांच घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते, इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो भरेगा ना, लेकिन पांच साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते बिल्कुल, और इसलिए मेरी डिमांड है क्यों क्यों धर्म पैसा जात पात धर्म संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो कुछ उससे कि अगले पांच साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले पांच साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछ पूछ वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत, और पता मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी, आप सबको आजादी, गरीबी से आजादी, अन्याय से आजादी, करप्शन से, थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास कर, उसे यूज कर, बस माधवन साहब मैं सारी ईवीएम मशीन बाहर भेज रहा हूं, हर 10 मिनट में कंटेनर आपके पास पहुंच जाएगा।